प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों की क्षेत्र नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय की संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंजलि मिश्रा ने एनेक्सी भवन के सभागार में जनसुनवाई की, जिसके संबंध में संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंजलि मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 3 वर्षों के लाभार्थियों का जनसुनवाई किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे भारतवर्ष की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कि जो गरीब निर्धन है या जो गरीब है उनका आवास नहीं है, उनको एक पक्का आवास दिया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि यह आवास रहने योग्य होना चाहिए, जिसमें 2 कमरे, शौचालय, किचन अनिवार्य रूप से बना होना चाहिए। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि सभी निर्धन गरीब परिवारों का पक्का अपना खुद का आवास हो, जिसके लिए भारत सरकार से सहायता दी जा रही है, जिसका जनसुनवाई की जा रही है। यह पता किया जा रहा है कि योजना का लाभ निर्धनों को मिला है या नहीं, या उनको किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय की संयुक्त निदेशक डॉक्टर अंजलि मिश्रा ने कहा, आज यहाँ गोरखपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का सोशल ऑडिट 3 वर्षों का किया जा रहा है, उसकी जनसुनवाई है। वित्तीय वर्ष 18-19, 19-20 और 20-21। तो सोशल ऑडिट प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो किया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे भारतवर्ष की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना का उद्देश्य है कि गरीब निर्धन जो हैं और जिनके पास अपना स्वयं का पक्का निवास नहीं है, आवास नहीं है, उनको एक पक्का आवास दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आवास रहने योग्य होना चाहिए, यानी इसमें 2 कमरे, आपका शौचालय, किचन, ये सब अनिवार्य रूप से बना होना चाहिए, पक्का होना चाहिए और रहने योग्य होना चाहिए। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही कि हमारे सभी निर्धन परिवार जितने भी हैं, उन सभी लोगों के पास अपना स्वयं का पक्का रहने योग्य आवास हो, और इसके लिए बहुत सारा इसमें सहायता दी जा रही है गरीब जो इनके लाभार्थी हैं उनको। तो सोशल ऑडिट का मुख्य उद्देश्य यही है कि चूंकि ये बहुत बड़ी योजना है, इसमें नगरीय निर्धनों को आवास मुहैया कराए जा रहे हैं, तो सोशल ऑडिट के अंतर्गत हम लोग ये देखना चाहते हैं कि जिस उद्देश्य के तहत ये योजना चलाई जा रही है, उस उद्देश्य की पूर्ति किस हद तक हुई है, कितनी सफल रही है, क्या क्या कमियां आई हैं, और जिन निर्धनों के लिए ये योजना बनी है, वाकई क्या उन निर्धनों को इस योजना का लाभ मिला है। इस लाभ को मिलने के लिए जो एक सहज प्रक्रिया है, उस सहज प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है, कोई कठिनाई तो नहीं आई है इनको, किसी तरह की दिक्कत किसी अधिकारी कर्मचारी प्रक्रिया के माध्यम से तो नहीं आई है, किस तरह से इनको जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि सभी को एक तो पता होना चाहिए पूरे शहर में नगरीय निर्धनों के माध्यम से कि हाँ, हमको इस तरह का आवास मिलने की सुविधा भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है और उसका लाभ हम इस तरह उठा सकते हैं। तो इन सब उद्देश्यों के साथ ये सोशल ऑडिट की जन सुनवाई आज की जा रही है, और इसमें हम लोग सभी लाभार्थियों को हम लोगों ने यहाँ पे इन्वाइट किया हुआ है, आमंत्रित किया हुआ है, जो 2018-19, 19-20 और 20-21 के हैं। साथ ही यहाँ पे हमारे साथ डूडा के अधिकारी होंगे, मीडिया कर्मी होंगे और जन प्रतिनिधि जो हैं वो भी हमारे साथ होंगे। तो हम सभी जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, सबके माध्यम से हम ये देखेंगे कि ये प्रक्रिया सही तरीके से चल रही है, इसका लाभ मिल रहा है, कोई इसमें रुकावट तो नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उस रुकावट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इन्हीं लाभार्थियों से हम ये भी पूछेंगे कि आपको इस पूरे जो प्रक्रिया है उसमें कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो आप बताएं उस परेशानी को, और उस परेशानी को कमी करने के लिए भी जो सुझाव आप लोग दे सकते हैं वो भी आप सुझाव दें, क्योंकि इसकी रिपोर्ट भारत सरकार तक को भेजी जाएगी और इसका पूरा जो भी इसमें कमियां होंगी उनको दूर करने की भी पूरी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की गई है। तो इसी उद्देश्य के साथ है, अभी 1 वीक के बाद 14 तारीख को हम लोग यहाँ पे दोबारा आएंगे, जो सोशल ऑडिट होगा। आज तो जन सुनवाई है, अभी हम लोग इनसे इनकी जो प्रतिक्रिया है, इनके जो सुझाव हैं, इनकी जो परेशानियाँ हैं वो पूछेंगे, और सोशल ऑडिट के दिन हम लोग ये देखेंगे कि उन प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा करने के लिए डूडा सूडा के अधिकारियों ने क्या कार्य किया या उसमें और क्या प्रक्रिया अंतर्गत क्या बदलाव लाए गए,
और उसमें हम लोग फाइनल रिपोर्ट सबमिट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर अंजलि मिश्रा है, मैं संयुक्त निदेशक हूँ क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय में, और हमारा केंद्र 10 पूरे भारत और उसमें 10 राज्यों के लिए नगरीय विकास से संबंधित सभी कार्य करता है, खासकर कैपेसिटी बिल्डिंग का, सेमिनार का, रिसर्च स्टडीज़ का, इम्पैक्ट स्टडीज़ का, और एक्ट और जो बायलॉस हैं उनके बनाने के लिए भी जो सुविधा होती है वो हम लोग भी देते हैं। और इसमें हमारे पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, साथ ही साथ चंडीगढ़, मणिपुर और मेघालय, ये हमारे पास राज्य हैं। धन्यवाद।